कोई 5 एकड़ में, कोई 10 एकड़ में फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ पर चारों तरफ से ओपन रखकर बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर देखने में क्या आता है कि जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसमें भी खिड़कियाँ लगी हुई होती है, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए होते हैं, और वहाँ पर इस तरह की दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो फैक्ट्री साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है तो वहाँ पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में एग्जॉस्ट फैन या खिड़की लगी हुई देखने को मिलती है। तो वहाँ पर इस तरह की समस्याएं ज़्यादातर देखने में आती है। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप के यहाँ जो खिड़की लगी हुई है या एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो उसे वहाँ पर बंद करें, वहाँ पर दीवार लगाकर उस हिस्से को बिल्कुल पैक कर दें। एग्जॉस्ट फैन आप वेस्ट में पश्चिम दिशा में लगाएं या पश्चिम दिशा में खिड़की लगाएं। यदि साउथ वेस्ट में आपकी खिड़की साउथ वॉल पर लगी हुई है तो उस खिड़की को आप साउथ सेंटर में लगाएं। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो उस एग्जॉस्ट फैन को भी आप साउथ सेंटर में लगाएंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ जो समस्याएँ आ रही है, चाहे वो आपकी माल की क्वालिटी को लेकर समस्या है, चाहे पैसे को लेकर समस्या है, या आपकी अपनी लेबर को लेकर समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं आपकी ठीक होती चली जाएंगी सिर्फ ये काम करने से। यदि आप दीवार नहीं लगा सकते तो यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर प्लाई बोर्ड लगाया जा सकता है एक टाइम के लिए, या यहाँ पर आप गत्ता लगाकर, खिड़की है तो गत्ता लगाकर इसको एक टाइम के लिए बंद कर दें, एग्जॉस्ट फैन है तो उसके ऊपर भी आप गत्ता लगाकर, कार्डबोर्ड लगाकर उसे एक टाइम के लिए बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी समस्याएं एक एक करके दूर होनी शुरू हो जाएगी। जब आपको अच्छा लगे कि हाँ जी मेरे को बेनिफिट हो रहा है, उस समय आप दीवार लगाकर उसे बंद कर सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ जो व्यक्ति अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर को मजबूत कर लेता है, बंद कर लेता है, वहाँ से हवा के आने जाने का सिस्टम क्लोज कर देता है, तो उस फैक्ट्री में हमेशा ही बरकत होती है। आपकी अपनी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में आपका अपना व्यापार अच्छा नहीं चल रहा और आप जरूर से ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।